गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं लिशा। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों के खिलौनों को, अनयूज्ड खिलौनों को कैसे हम एज अ डेकोर पीस, वॉल डेकोर पीस या कोई भी डेकोर पीस बना सकते हैं, जो कि वो अनयूज्ड चीज को रीयूज कर सकते हैं हम। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कुछ दिन तक खिलौनों से खेलते लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं उनसे, तो उनको फेंकने की बजाय कैसे हम उनको रीयूज कर सकते हैं, कैसे मैंने अपने बच्चों के कुछ खिलौनों को रीयूज करके एज अ वॉल डेकोर बनाया है, तो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि कैसे उनके अनयूज्ड खिलौनों को मैंने यूज में लाया है, एज अ डेकोर पीस बना दिया है। तो सबसे फर्स्टली मैं आपको दिखा देती हूँ कि उनके खिलौने कौन कौन से जो अनयूज्ड पड़े थे। कुछ खिलौने जो मेरे बच्चों के रखे हुए थे, जो बहुत जल्दी वो बोर हो गए इससे। कुछ दिन तक तो बहुत अच्छे से खेला उन्होंने, लेकिन अब वो बोर हो गए इन खिलौनों से। तो अब ये खिलौने कैसे मैं यूज करूंगी एज अ डेकोर पीस, तो आप देखिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। मैं आपको कि मैंने कैसे उसके खिलौनों को रीयूज में ले आई हूँ। तो सबसे फर्स्टली हम बात कर लेते हैं इन खिलौने की, जो कि इनको बना, ये खिलौने एक्चुअली ऐसे बना बना के कुछ ना कुछ शेप बनाना होता है उनको। तो ये कुछ दिन तक तो उन्होंने बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंगली खेला, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बोर हो गए। तो ये देखिए, इसको मैं ऐसे ज्वाइन करके कैसे मैं ऐसे डेकोर पीस बनाने वाली हूँ आपके सामने। तो आप देख सकते हैं, आप कलर्स को अपने हिसाब से मिक्स एंड मैच दीजिए ताकि वो थोड़ा सा और ज्यादा खूबसूरत लगे। तो ये देखिए कि मैंने किस तरह इसको एज अ डेकोर पीस बनाया है और कैसे मैं इसको रीयूज में ला रही हूँ। तो आप देखिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं लाती रहती हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। तो आप देखिए कि ये कलर्स मिक्स एंड मैच करना बहुत, मतलब वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ भी चीज को अट्रैक्टिव अगर दिखाना है तो मतलब मिक्स एंड मैच जो मैचिंग है कलर्स की, तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं इसको एज अ स्क्वायर बना दूंगी और फिर एज अ फोटो फ्रेम आप इसको यूज कर सकते हैं, एज अ वॉल डेकोर आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। अब देख लीजिए कि इसको हमने लास्टली ये मिक्स कर दूंगी मैं अब, और इसको मैं इसके साथ जॉइन कर दूंगी, तो ये एक डेकोर पीस बन जाएगा, स्क्वायर डेकोर पीस हो जाएगा। नियर अबाउट स्क्वायर, नॉट एग्जैक्टली स्क्वायर, बिकॉज ये कुछ ऐसे हैं। तो ये देखिए कि आप इसमें फोटो फ्रेम लगा के इसको ऐसे टांग सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये। अब इसको आप कहीं भी ऐसे, ये देखिए आप वॉल में, मैं लगा के दिखा रही हूँ, ऐसे आप तीन पीसेस लगा सकते हैं, डेकोर पीस बन जाएगा ये आपका। आप ऐसे लगा सकते हैं अपनी, तो ये एज अ डायमंड शेप में हो जाएगा, स्क्वायर डायमंड, आप किसी भी तरह से इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं, लटका सकते हैं कहीं भी। अब इसको मैं और एक्सटेंड करके थोड़ा सा बड़ा सा बॉल पीस बनाने वाली हूँ, तो ये एक पीस बन गया है। अब इसमें ही हम ज्वाइंट करते जाएंगे नीचे, तो ये सेकेंड पीस हम बनाने वाले हैं। आप देखिए, ये देखिए, नेक्स्ट अब इसको रख देती हूँ और एक और पीस बना लेती हूँ उसके बाद इसको। अब ये शेप्स हम बच्चों को सिखाने के लिए बहुत अच्छे से हो जाता है, तो ये जैसे कि स्क्वायर या ये डायमंड शेप बन गया। अब हम कुछ और बनाते हैं ताकि उनको थोड़ा सा शेप्स की भी नॉलेज हो जाए और वो थोड़ा सा एवरीडे उसको देखते रहे और दीवार पे भी बहुत ज्यादा सुंदर दिखेगा ये। तो अब देखिए कि मैंने किस तरह इसको एज अ डेकोर पीस यूज किया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। तो आप अपने मनपसंद शेप्स बना सकते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं आप वो बना सकते हैं। मुझे जरूरी नहीं है, मैंने जो शेप्स चूज किया आप वही बनाए, आप कुछ बना सकते हैं। तो यही जरूरी नहीं है आपके पास खिलौने, और भी बहुत सारे ऐसे खिलौने होते हैं जिसको आप ऐसे ही कुछ भी मिक्स एंड मैच करके आप अपने घर में एज अ डेकोर पीस बना सकते हैं या कहीं और चीज में रीयूज में ला सकते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा कि किस तरह मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये ऐसे एक्सटेंड होती जाएगा और आपके बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा। तो मैं आपको लास्टली दिखा देती हूँ इसका कैसा ये बन जाएगा, लास्ट फाइनल लुक दिखाऊंगी इसका। तो
ऐसे आप करने चाहिए और ये तीन चार शेप्स ऐसे बना लेंगे आप और उसको ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर ये एज अ वॉल डेकोर बन जाएगा। आप ये देख सकते हैं, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं ऊपर ऐसे ज्वाइन करके, आप जैसे आप चाहते हैं जैसे आपकी मर्जी आप ऐसे उसको रीयूज करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये फर्स्टली हमने इसको बना दिया। अब आपको बता देती हूँ मैं फाइनल लुक इसका कैसा। सो दिस इज द फाइनल लुक, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैंने अलग अलग शेप्स, कोई ट्रायंगल है कोई स्क्वायर है, ऐसे करके मैंने दो तीन शेप्स बना के, कोई नीचे आप देख सकते हैं डायमंड शेप में है, तो इस तरह मैंने तीनों शेप्स को मिला के एज ए वॉल डेकोर बनाया है। होपफुली आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब नेक्स्ट ही हम बात कर लेते हैं कि ये जो पाइप्स रखे हैं पाइप्स को ज्वाइन करके हम क्या करने वाले हैं। तो पाइप्स को ये देखिए इसके बीच में जो ये इसका ज्वाइन है इसको ज्वाइन करके हम इसके सर्कल्स बनाएंगे और सर्कल्स बना के हम इसको भी एज अ डेकोर पीस यूज करेंगे, वॉल में लगाएंगे। तो इसमें भी मिक्स एंड मैच करेंगे हम, कलर्स का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का ध्यान रखेंगे और इसको सर्कल्स बना लेंगे ऐसे। तो आप ये देखिए ये ऐसे ज्वाइन करते जाएंगे तो ये एज अ सर्कल बन जाएगा। ये देखिए एक सर्कल बन गया है, ये ऐसे ही हम और सर्कल्स बना लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज्यादा मतलब फन भी हो जाता है बच्चों के लिए, कुछ खेलने के लिए एक नई चीज हो जाती है और वो फिर कुछ दिनों के बाद वो बोर भी हो जाते हैं। तो क्या होता है कि पड़े पड़े फिर इन चीजों का कुछ मतलब ही नहीं है, इनको फेंकना ही पड़ता है। तो वो ना फेंक के हम इसको रीयूज भी लाएंगे इस तरीके से डेकोर पीस बना के, जैसे मैंने किया है आप भी कर सकते हैं। तो ये हम इसके सर्कल्स बना लेते हैं, अगर वो साइज है छोटा तो इससे हम थोड़ा सा बड़ा साइज का नेक्स्ट सर्कल बनाएंगे, ऐसे हम इसकी साइज को बढ़ाते जाएंगे। तो ये देखिए एक और सर्कल बन गया है, होपफुली ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, देख लेते हैं ये इससे बड़ा है। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये सेकेंड सर्कल भी हमारा बन गया, ये देख सकते हैं आप बहुत ही सुंदर दिख रहा है। नेक्स्ट ही अब थर्ड सर्कल हम इसको बनाते हैं। तो थर्ड सर्कल के लिए पाइप्स कलेक्ट कर लेते हैं, अब इसको अगेन ज्वाइन करेंगे और हम इसका भी नाउ थर्ड सर्कल बना लेंगे जो थोड़ा सा उससे भी बड़ा होगा। अब इसको ऐसे ज्वाइन करते हुए हम एक और सर्कल बना लेंगे और इसमें भी आप देख लीजिएगा मिक्स एंड मैच करके आपको कौन से कलर्स कैसे अच्छे लगते हैं, और इसको बड़ा कर लेंगे क्योंकि जो सेकेंड सर्कल है उससे भी हमें बड़ा चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं ये बड़ा होता ही जा रहा है। तो ये हो गया, एक और लगा देते हैं हम कि इनफ आई थिंक सो। तो आप ये देख सकते हैं कि तीन सर्कल्स बन गए हैं मेरे, इसको हम एज इट इज ऐसे यहाँ पर आप कुछ भी थ्रेड हो गया या कुछ भी यहाँ ऐसे बांध के अब आप इसको ऐसे लटका दीजिए, बहुत ही सुंदर डेकोर पीस बन जाता है। ये देखिए अब इसके नीचे आप कुछ भी लटका सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पर एक छोटी सी चिड़िया आप अगर आपके पास है तो आप चिड़िया लटका दीजिए, बहुत सुंदर दिखती है। एंड इसको आप एज अ व्हील शेप भी यूज कर सकते हैं, फिर यहाँ पर चिड़िया है यहाँ घंटियां हैं एंड टन टन वो बजती रहेंगी, तो इस तरह हम इसको लटका सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये। तो मैंने बहुत इजीली अनयूज्ड चीज को यूज में लाके डेकोर पीस बना लिया, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बहुत ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि ऐसे अनयूज्ड चीजों को इस तरह यूज में ला सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।